एवरीवन, दिस इज आरजू शिखा और आप मुझे क्रिकप्लेक्स पर सुनते हो। और साथ ही साथ क्योंकि आज वर्ल्ड म्यूजिक डे भी, और साथ ही साथ आज योगा डे भी है। और जैसा कि आपको पता ही चल गया है हमारे सोशल मीडिया साइट्स पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, कि आज हमारे साथ इस स्पेशल डे पर यानी 21 जून को हमारे साथ कौन होने वाले हैं। तो अभी एक गाना जो इतना सुपर डुपर हिट हुआ था एक टाइम पर, मतलब जिसने कि सभी के दिल में इतनी बड़ी सी जगह बना ली थी, और आज हमारे साथ हैं संदीप बरार जी। हेलो। हेलो। हाँ जी। हेलो सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। आप सुनाइए, कैसे हैं शिखा जी? मैं बहुत बढ़िया हूँ। देखिए आज हमारे साथ मतलब पंजाब की शान कह लीजिए, इनकी आवाज़ इतनी दमदार है कि जब इनका ये गाना रिलीज़ हुआ था तब तो मतलब इनके सभी के सभी फ़ैन हो चुके थे। और आज ये हमारे साथ आपको इस वीडियो में दिख रहे हैं मेरे साथ साथ। एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पहले इंस्टा पर लाइव करने वाले थे, बट क्योंकि सर इस टाइम कनाडा में और मैं इस टाइम इंडिया में हूँ तो हमारी टाइमिंग थोड़ी सी आगे पीछे हो रही थी, तो हमने सोचा क्यों ना हम इस वे से अपने इंटरव्यू को स्टार्ट करते हैं। तो अभी हमारे साथ संदीप बरार सर हैं। तो सर अभी मैं आपका गाना सुनूंगी, लेकिन उसके पहले क्योंकि आज वर्ल्ड म्यूजिक डे है तो आप इसके ओकेजन पर क्या कहना चाहते हो? क्योंकि म्यूजिक से आपने शुरुआत की है, इतना सुपरहिट गाना दिया है, तो आप क्या कहना चाहते हो इसके बारे में? देखो जी, वैसे तो मेरे ख्याल से हर रोज जैसे हमारे दिन की शुरुआत होती है और दिन के ख़त्म होने तक डेली हमारा म्यूजिक डे ही होता है ना, पर आज म्यूज़िक डे पे मेरा तो यही सबसे यही रिक्वेस्ट है कि अच्छी चीज़ें सुनो, अच्छी चीज़ों को प्रमोट करो, जैसे गाने वालों को भी अच्छी चीज़ें बनानी होंगी और सुनने वालों का तो सबसे पहला फ़र्ज़ बनता है। यही रिक्वेस्ट है सबसे। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल सर। आपका जो गाना आया था जिसने 245 मिलियन क्रॉस किया था, मतलब इतना सुपर हिट वो गाना हो गया कि 245 मिलियन क्रॉस किया, तो जरा उसके बारे में बताइए। लेकिन उसके पहले आप इस गाने की लाइन हम चाहते सी मैं कोठे उत्ते चढ़िया कबूतर अडाउन लई, ओ भी चढ़ी सी चुबारे चा जंज नु फड़ाउन लई, हो मैं तो उड़दी कबूतरी नू वाजा मारदा सी, उड़दी कबूतरी नू वाजा मारदा सी, ओनू इंज लगा वाज शायद ओदे लई करी, सेम टाइम सेम जगह अगले दिन फिर मर जानी आके छत ते खड़ी। ओ ओ ओ हाँ वाह 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 वाह, क्या बात है सर, क्या बात है। मतलब इस गाने ने इतने लोगों को फैन बना दिया था, और जब मैंने ये फर्स्ट टाइम गाना सुना था तो मेरा जो रिएक्शन था वो मतलब कमाल का था, एक नंबर का था। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, जब ये गाना रिलीज हुआ था इतने ज्यादा व्यूज इस गाने पर आए थे, तो आपका क्या रिएक्शन था? आपने ये सोचा था कि इतने ज्यादा व्यूज आएंगे और ये गाना इतना सुपर डुपर हिट हो जाएगा? देखो जी, वैसे तो हर बंदे की ये ख्वाहिश होती है कि मैं जो भी बनाऊं उसे लोग ज़्यादा से ज़्यादा पसंद करें, क्योंकि ये पूरा एक टीम वर्क होता है, तो टीम में कितने बंदों की मेहनत लगी होती है। पर जब आगे से ऐसा रिस्पांस आए, लोगों का प्यार मिले और लोग आपको लाइक करें, तो बंदे का हौसला और ज़्यादा बढ़ जाता है ना। सो ये सारी चीज़ें, जैसे मतलब मेरे को भी, मैं तो चाहता हूँ कि हर गाने वाले को ऐसी चीज़ें ज़रूर नसीब हों। सो ये मेरे को भी, जब मैंने ये सारी इतना लोगों का प्यार देखा तो बहुत अच्छा लगता है आपको, और आपका हौसला बढ़ जाता है, ये सारी चीज़ें। सर इस गाने को लेकर आपका कोई फेवरेट मोमेंट रहा हो जिसको आप अभी तक नहीं भूल पाए हो, कि मतलब ये जो गाना ये रिलीज हुआ और आपको लगा हो कि ये सबसे बेस्ट था मेरे लिए? देखो जी, उस टाइम मेरे को तो पता ही नहीं था कि ट्रेंडिंग में क्या होता है, क्योंकि ये 2016 की बात है। तो जब ये गाना ट्रेंडिंग में चल रहा था, लोगों के मेरे को फ़ोन्स आ रहे थे, लोगों के मैसेज आ रहे थे, तो जब मेरे को पता चला कि यार गाना ट्रेंडिंग में नंबर वन पे जा रहा है, और एक दिन नहीं कई कई दिन, मेरे ख्याल से 15-20 दिन गाना ट्रेंडिंग में रहा, तो
ये मोमेंट्स आपके लिए बहुत अच्छी होती हैं कि लोग आपको फोन करके बता रहे हैं कि यार तेरा गाना ट्रेंडिंग में चल रहा है. सो सारी चीजें. अच्छा अच्छा, मतलब एक्साइटमेंट लेवल आपका एकदम ऊपर हुआ होगा उस टाइम पर जब आपने देखा होगा कि ये गाना मेरा इतना सुपर डुपर हिट हो चुका है. हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी बिल्कुल जी बिल्कुल. अच्छा तो सर छोटा सा, मैं अभी क्योंकि आज वर्ल्ड म्यूजिक डे भी है तो मैं ये जानना चाहती हूँ और मैं आपको एक दो लाइन्स दूंगी और उसको आपको गाने में जनरेट करना है, अपने आपको अपने शब्द उसमें ऐड करने हैं और आपको उसको भी ऐड करना है, फिर आपको एक गाना बना देना 2-3 लाइन का. कोशिश करते हैं जी, देखते हैं. वैसे मैं इतना ज़्यादा मतलब बढ़िया लिखने वाला नहीं हूँ पर कोशिश ज़रूर कर सकते हैं. सर हमें उम्मीद है कि आप मतलब बेहतरीन 2-3 लाइन तो आप इसकी बना ही लेंगे. सर लाइन जो है वो ये है, क्रिकप्लेक्स रेडियो जो है भारत का पहला ऑनलाइन रेडियो, क्रिकेट का नया दौर. इसको आपको अपने शब्द डालने हैं जो आप पंजाबी में बोलते हैं, प्लस इन शब्दों को ऐड करना है और एक छोटा सा 2-3 लाइन का गाना बनाना है. ये तो मेरे ख्याल से आप लोगों भी मेरे से बनवा रहे हो इंटरव्यू के टाइम पे, है ना? नहीं 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 सर, नहीं नहीं नहीं, लोगों नहीं बनवा रहे, हम जस्ट देख रहे हैं कि सर आप इतना बेहतरीन गाना गा लेते हो तो ये तो आपके लिए चुटकियों का काम है. जी 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 जी, यही बोल सकता हूँ कि क्रिकप्लेक्स को सुनने वालों, क्रिकप्लेक्स को ऑनलाइन सुनने वालों, धूम मचा लो. यही बोल सकता हूँ. बाकी मतलब सर ये कितना बेहतरीन तरीके से आपने गा दिया, धूम मचा लो. आउट ऑफ इमेजिनेशन जो हमारे मतलब एक सिंगर की, एक म्यूजिशियन की यही खास बात होती है कि वो अगर आप उनको शब्द दे दो तो वो फटाक से वो गाना बना लेते हैं. काश इतना टैलेंट हमारे पास भी होता ऐसे गाना बनाने का. तो सर अभी ये तो हो चुका है और एक छोटा सा मैं गेम खेलना चाहती हूँ कि जैसे कि आप जानते हैं क्रिकप्लेक्स हमारा रेडियो बेस्ड है तो रेडियो बेस्ड पर हम क्रिकेट की चीज़ें इस पर काफ़ी ज़्यादा मतलब बहुत सारी चीज़ें आपको नॉलेज होती है. तो मैं अभी आपसे जानना चाहती हूँ कि आपको क्रिकेट की कितनी नॉलेज है. थैंक यू जी, थैंक यू सो मच. क्रिकेट देखो जी मैं ज़्यादा तो मैंने नहीं देखी पर कुछ लोग हैं जो मेरे को सुनने वाले प्यार, जैसे शिखर धवन भाई हैं, वो दिल्ली से बिलोंग करते हैं और मैं दिल्ली में बहुत सारे शोज़ करता हूँ. तो उन्होंने मेरे को जब वो मिले, लास्ट मैच मैंने उनका 2020 या मोहाली में देखा था जब मैं इंडिया में था, तो उन्होंने मेरे को स्पेशली अप्रिशिएट किया कि यार भाई वो आपका सेम टाइम वाला गाना बाकमाल है, मैं बहुत सुनता हूँ. तो अच्छा अच्छा, उन्होंने आपको पर्सनली ये बोला था? जी, हम लोग कहीं मिले थे JW मैरियट उधर चंडीगढ़ में, तो उन्होंने स्पेशली मेरे को जब मिले और मिलके ये बोला कि यार भाई वो आपका सेम टाइम वाला गाना, मैं फ़ैन हूँ उसका. तो उस वजह से फिर मेरे को क्रिकेट भी थोड़ी अच्छी लगने लगी और स्पेशली मैं शिखर धवन भाई को मैं बहुत लाइक करता हूँ. अच्छा, मतलब शिखर धवन ने आपको कहा कि आपका गाना बहुत ही ज्यादा मतलब सुपर डुपर हिट और बहुत मस्त सा गाना है, तो तब से आपने क्रिकेट में इंटरेस्ट लेना स्टार्ट कर दिया? जी 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 जी, जब ये हरभजन भाई, भज्जी भाई का मेरे ख्याल से वेडिंग थी उनकी, तो उस टाइम भी उन्होंने मेरा गाना लगा के और जो डांस किया शेखर भाई और ये सब ये थे, तो मेरे को कहीं से वो बाइट भी आई थी मेरे ख्याल से, शायद YouTube पे या कहीं ना कहीं पड़ी भी होगी. तो उस वजह से फिर थोड़ा थोड़ा जब आपको स्पेशली पर्सनली बंदे मिलते हैं तो आपका भी इंटरेस्ट बन जाता है ना चीज़. बिल्कुल बिल्कुल सर, इंटरेस्ट तो बढ़ ही जाता है. तो सर मैं एक छोटा सा गेम खेलना चाहती हूँ अभी, छोटा सा. इस गेम का नाम है कैच आउट, ठीक है? आपसे मैं कुछ पूछूंगी रिलेटेड टू क्रिकेट, बहुत ही सिंपल सा है, होप आप बता लोगे उस क्वेश्चंस को और फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते. मैं अपना पहला क्वेश्चन आपके सामने पेश करूं.
आपका फेवरेट क्रिकेटर कौन है? वो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि शिखर धवन को मैं पर्सनली बहुत लाइक करता हूँ। शिखर धवन को? अच्छा, आपने अभी अभी रिसेंटली ही लास्ट मैच कौन सा देखा था? अब तो देखो जी, आजकल तो कोरोना की वजह से सब कुछ ही वो हो रखा है, लेकिन मैंने 2020 ये जो कोरोना से पहले मोहाली में हुआ था वो मैच देखा था मैंने लाइव। अच्छा सर, जैसे कि आपका भी मतलब सबका एक नॉर्मल नेम तो होता है, जैसे आपका नाम है संदीप बरार, आपका भी कोई निकनेम होगा? जैसे कि मैं आपको बोलूं कि आपका नाम मैं सैंडी रखना चाहती हूं, तो आपका भी कोई निकनेम है ऐसा? तो आपने पहले ही मेरा नाम खुद ही जान लिया, मेरे को घर पे या मेरे ज्यादा प्यार करने वाले सैंडी नाम से जानते हैं। अच्छा, तुम एकदम करेक्ट हो, मतलब सैंडी ही नाम से आपको जानते हैं। वाह, तो इसी से रिलेटेड मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन और है कि हम क्रिकेट में क्रिकेटर्स को जिनका ये नाम है इन्हें प्यार से लोग चीकू बुलाते हैं, आप मुझे बता सकते हो कि ये कौन है? चीकू मेरे ख्याल से शिखर भाई को ही बोलते हैं। नहीं सर। हाँ जी, नहीं मेरे ख्याल से वीरेंद्र सहवाग को बोलते हैं। पक्का? डन, लॉक किया जाए। सर आप गलत हो। अच्छा। हम विराट कोहली को चिकू बोलते हैं प्यार से। हाँ जी, याद आ गया, विराट कोहली को चिकू बोलते हैं। जी। और आईपीएल में आपकी फेवरेट टीम कौन सी रही है? देखो जी, मैं पंजाब से बिलोंग करने वाला बंदा हूँ, तो मैं अपनी टीम को किंग्स इलेवन को हमेशा लाइक करूंगा। वाह, मतलब वाह सर, ये तो बात हुई, आप जहाँ से हो अपनी टीम को सपोर्ट कर रहे हो। आपको किसी फीमेल क्रिकेटर का नाम पता है? फीमेल क्रिकेटर? हाँ जी, हमारे पंजाब से है हरमन, एक लड़की जिसने हरमनप्रीत कौर, यस, उसने बहुत अच्छा प्ले किया था वर्ल्ड कप में। क्या बात है, मतलब। अच्छा सर, मैं भी पूछना चाहती हूँ, जैसे कि कोविड का टाइम चल रहा है इस टाइम पर और घर पर ही आप होंगे, तो आप अपना टाइम कैसे स्पेंड करते हैं लाइक? मैं जी, मेरा पर्सनली जो मेरा इंटरेस्ट है म्यूज़िक में बहुत है, तो मैं ज़्यादातर अच्छी अच्छी चीज़ें म्यूज़िक में वो सुनता हूँ, मूवीज़ देखता हूँ, सो जो फैमिली के साथ टाइम निकलता है उसी को एंजॉय करता हूँ। सर आपका अप्रैल 21st को 2021 में अभी रिसेंटली ही एक गाना आया है, रिलीज हुआ है, 80 पिंडा आले। हाँ जी, तो सर मैं चाहती हूँ कि प्लीज आप उसे सुना दें, दो तीन लाइंस उस गाने की। हाँ जी, वैसे तो वो ड्यूट सॉन्ग है, उसमें मेरे साथ गुरलेज जी ने गाया है। हाँ जी, सो उसकी जो टेक लाइन थी कि असी पिंडा आले होने आ, ये थोड़ा वो है उसका जो टेक लाइन है। हाँ जी, जिगरे च फीड़ कीतियां दलेरियां, समझी ना दिल विच वैर रखिया। सो यही मेरे को अभी पूरा वो गुनगुनाने में थोड़ा वो है। कोई गल नहीं सर। सर मुझे थोड़ी सी पंजाबी सिखा दीजिएगा, लेकिन उसके पहले मैंने गाना आपका देखा है स्टेप कटनी, वो मुझे जो सेम टाइम सेम जगह के बाद मुझे सेकंड गाना ये बहुत बेहतरीन लगा था, उसको भी मैं चाहती हूँ कि आप प्लीज सुनाएं। और क्या, और सर इतने क्यूट लग रहे हैं उस म्यूजिक वीडियो में, अगर आप देखेंगे तो ये पेंटिंग करते हुए आपको उस वीडियो में नजर आएंगे, तो मैं चाहती हूँ कि सर अभी आप वो गाना सुनाएं, दो तीन लाइनें उस गाने की। टोटियां च करता डिवाइड जटनी, ले लिया तू जदों दा स्टेप कटनी, मूर्तां बना के जे कोई रखे तेरियां नी पीस, कला कला विच जे करोड़ दा, मूर्तां बना के जे कोई रखे तेरियां नी पीस, कला कला विच जे करोड़ दा, हो सिरों लेके पैरां तक दिता बेनी, टिक्के नाल लाके रखे साइड पिननी, हरफा च हुसन परो के शिव जोत मुल, कले कले तारे दाए मोड़ दा, ओ मूर्ता बना के जे कोई रखे तेरियां नी पीस,
कल्ला कल्ला विक जे करोड़ दा हो। ये है जी। अच्छा सर, अभी आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप कभी किसी शादी में गए हो और आप ही का गाना प्ले हुआ हो और आपने अपने ही गाने पर डांस किया हो? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, मोस्टली होता ये है कि जब कहीं किसी शादी में अटेंड करने जाते हैं या कोई फंक्शन पे जाते हैं तो लोग आपको देख के और आपके गाने प्ले करते हैं। सो ये तो कॉमन है कि जहाँ कहीं भी जाते हैं तो लोग करते हैं आपको अप्रिशिएट करते हैं बहुत सारा, फिर आपको कहते होंगे सेम टाइम सेम जगह अगले दिन फिर मर जानी आके छत पे खड़ी। बिल्कुल जी बिल्कुल, ये हिंदी में भी गाने लग जाते हैं कई बंदे। अब मेरे को किसी फैन ने फोन किया तो उसने सारे गाने को हिंदी में सुना दिया कि सेम टाइम सेम जगह अगले वो दिन फिर मर जानी आके छत पे खड़ी। सो ये लोगों का प्यार है। सर बिल्कुल बिल्कुल सर, तो अभी जैसे कि मैं आपको कहूँ कि कोई 90s का गाना, आप हिंदी बॉलीवुड गाने सुनते हैं? जी जी बहुत सुनता हूँ जी मैं। तो 90s का कोई एक गाना आप मुझे मतलब हिंदी में ही सुनाइए, उसे पंजाबी में नहीं, आप उसे हिंदी में ही सुनाइए। मैं थोड़ा सा आपका हिंदी टच देखना चाहती हूँ कि आप हिंदी गाने कैसे गाते हो, क्योंकि ये तो मैंने आई थिंक पहले कभी नहीं देखा, फर्स्ट टाइम मैं देखूंगी और लोग भी जो हमें देख रहे हैं वो भी देखेंगे कि आखिर आप पंजाबी से हटकर जब हिंदी गाना कोई आता है 90s का तो वो आखिर कैसे गाते हो, और क्योंकि आज वर्ल्ड म्यूजिक डे है तो ये तो मतलब एक नंबर हो जाएगा। देखो मैं हर जगह शोज़ करने जाता हूँ, पंजाबी हिंदी। सो कुछ चीज़ें मेरे को जो पर्सनली पसंद है, जैसे मैं अपने गानों में कई हिंदी गाने भी गुनगुनाता हूँ, तो उसमें एक जो मेरा फेवरेट भी है कि वो बोलते हैं कजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाला कजरे ने ले ली मेरी जान, हाय रे मैं तेरे कुर्बान, हाय रे मैं तेरे कुर्बान, दुनिया है मेरे पीछे लेकिन मैं तेरे पीछे अपना बना ले मेरी जान, हाय रे मैं तेरे कुर्बान, अरे मैं तेरे कुर्बान। वाह सर वाह, मतलब आपने चुना भी तो गाना आई थिंक ये 80s और 70s में आई थिंक ये गाना चला गया है। तो सर क्योंकि आज वर्ल्ड म्यूजिक डे है प्लस योगा डे भी है, तो योगा डे के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? जी जी जी, क्योंकि म्यूजिक और जो भी फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं इन दोनों का आपस में बहुत ज़्यादा मेल जोल है, क्योंकि आपने देखा होगा ज़्यादातर बंदे एक्सरसाइज करते हैं तब भी म्यूज़िक लगा होता है। सो योगा और म्यूज़िक का तो पहले से ही बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आपने देखा होगा जब लोग योगा करते हैं तो उन्होंने साइड पे म्यूज़िक लगाया होता है। सो वो जो आपको म्यूज़िक एक्सरसाइज करते वक्त आपको काम रखता है, आपको कंसंट्रेट करवाता है। सो दोनों चीज़ों का आपस में काफ़ी मेरे ख्याल से मेल जोल है। अच्छा सर मेरे पास ना ये तो बात कमाल की है कि दोनों का जो मिक्सअप होता है ये बहुत अच्छा होता है और इससे हमें जो मेडिटेशन करने का जो फ़ायदा वो और अच्छा होता है और कंफर्टेबल हो जाता है। और जब आपको पता है, जब पता चला कि आप मेरे साथ मतलब आने वाले हो इंटरव्यू के लिए, तो मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आए कि जो संदीप सर का गाना है सेम टाइम सेम जगह वो सुपर डुपर हिट है, और कभी इन फ्यूचर कभी मौका मिले तो उनसे आपको मिलाने का। तो मैं चाहती हूँ कि आप कभी यहाँ पर दिल्ली आओ और हमसे मिलो, साथ ही साथ अपने फैन से मिलो, आपके यहाँ पे जो फैन फॉलोइंग है वो बहुत बड़ी है। जी जी जी, मैं आता रहता हूँ जी, अब जब भी मैं वापस इंडिया आता हूँ तो मैं ज़रूर आपके क्रिकप्लेक्स रेडियो स्टेशन पर आके जाऊँगा।
बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल आपका बिल्कुल हमेशा। बस बस मुझे एक बार आप इन्फॉर्म कर दीजिएगा कि आप यहाँ पर अपना जो कदम है वो इंडिया में रख चुके हो और आप दिल्ली आने वाले हो, तो मैं बिल्कुल रेडी हो जाऊंगी अपने स्टाफ के साथ। जरूर जरूर जी जरूर। सर अभी अब जाते जाते मैं चाहती हूँ कि आप एक छोटा सा मैसेज अपने साइड से दे दो। मैसेज यही है कि जी अच्छी चीज़ें सुनो, अच्छी चीज़ों को प्रमोट करो, ताकि जो म्यूज़िक है इस ये अच्छी अच्छी चीज़ें सामने आ सकें, लोग देख सकें, सुन सकें। सो सभी से यही रिक्वेस्ट है कि अच्छी अच्छी चीज़ों को सुनो और प्रमोट करो। अरे सर, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो मुझे अभी याद आई है कि आपके जो अभी अपकमिंग जो भी सॉन्ग्स आने वाले हैं, आपने क्या प्लान किया है आगे के लिए? अभी इन फ्यूचर कौन कौन से आपके गाने आने वाले हैं? हाँ जी हाँ जी, काफ़ी गाने जो आगे पाइपलाइन में हैं वो जैसे जल्दी से जल्दी कंप्लीट होते हैं तो आपके सामने लेके आते हैं। बिल्कुल सर, हम रेडी हैं, हम वेट कर रहे हैं कि आखिर अब नेक्स्ट जो आपका गाना है वो आखिर कैसा होगा, हम फिर कैसे डांस करेंगे उस गाने पर। काफ़ी काफ़ी बीट सॉन्ग रेडी हो चुके हैं जो बस जल्दी से जल्दी आपके सामने आने वाले हैं जी। बिल्कुल सर, हम रेडी हैं और होप सो आपका जब नेक्स्ट गाना रिलीज हो हम आपके साथ फिर ऐसे ही लाइव आ सके। जरूर जी जरूर जरूर, थैंक यू सर, अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सर मैं एक छोटे सा बात जाते जाते ही कहना चाहती हूँ कि आप एक छोटा सा मैसेज जो अभी 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 हमें सुन रहे हैं यहाँ पर वीडियो पर, आप उन सभी को एक बार हाय कर दीजिए, क्योंकि आई नो कि कमेंट्स आने वाले हैं आपके लिए, जाते जाते एक बाय हाय दोनों ही हो जाए और गाना भी हो जाए, आपका गाने का स्टैंजा भी हो जाए सेम टाइम सेम जगह का। थैंक यू जी, थैंक यू क्रिकप्लेक्स सुनने वालों का, सबका बहुत बहुत धन्यवाद, सबको बहुत बहुत प्यार, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू संदीप सर, थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ संदीप बराड़, जिनका गाना 245 मिलियन क्रॉस किया था, गाना था सेम टाइम सेम जगह, और ऐसे ही इन फ्यूचर अभी हम आपको बहुत सारे सेलिब्रिटीज के साथ मिलते रहेंगे। टिल देन आप क्रिकप्लेक्स सुनते रहो, जहाँ पर क्रिकेट की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है, और क्रिकप्लेक्स सुनते रहिए क्योंकि ये है क्रिकेट का नया दौर। थैंक यू कि आप सभी को सुनाएं।